छत्तीसगढ़ में कांग्रेस लगातार चुनावी तैयारियों में आगे बढ़ रही है। कांग्रेस ने पहले तो चुनाव समिति की घोषणा की और अब ऑब्जर्वर और स्क्रीनिंग कमेटी का ऐलान भी कर दिया है। आप पार्टी जल्द ही पीसीसी में विस्तार करने वाली है। 90 सचिवों के अलावा 3 प्रभारी महामंत्रियों की नियुक्ति होने वाली है। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने पिछले 2 महीने में एक के बाद एक कई फैसले लिए। टीएस सिंहदेव के डिप्टी सीएम बनाने से शुरू हुआ फैसलों का क्रम लगातार जारी है। छत्तीसगढ़ की सत्ता में वापसी के लिए कांग्रेस लगातार चुनावी जमावट कर रही है। पहले तो कांग्रेस ने चुनाव समिति की घोषणा कर दी, लोकसभा ऑब्जर्वर और सोशल मीडिया टीम का ऐलान किया। इसके बाद अब छत्तीसगढ़ के लिए कांग्रेस ने स्क्रीनिंग कमेटी का ऐलान भी कर दिया है। कांग्रेस के सीनियर नेता अजय माकन इसके चेयरमैन बनाए गए हैं। नेता डिसूजा और एल हनुमंता को सदस्य बनाया गया है, जबकि सीएम भूपेश बघेल, प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, पीसीसी चीफ दीपक वैद और उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव इसके पदेन सदस्य होंगे। दरअसल स्क्रीनिंग कमेटी का गठन इसलिए भी बेहद अहम है क्योंकि यही समिति नामों की फाइनल स्क्रीनिंग करेगी। इसके बाद सीईसी के स्तर पर नामों पर मुहर लगेगी। माना जा रहा है कि बदलावों के क्रम में जल्द ही पीसीसी में विस्तार देखने को मिलेगा। कांग्रेस जहां पीसीसी में 3 नए प्रभारी महामंत्रियों की नियुक्ति करने जा रही है, वहीं 90 सचिव और संयुक्त महामंत्री भी बनाए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के प्रत्याशियों के चयन के लिए स्क्रीनिंग कमेटी कांग्रेस के वरिष्ठतम नेता माननीय अजय माकन साहब के नेतृत्व में गठित की गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी उस कमेटी के पदेन सदस्य हैं। तो आने वाले समय में कॉन्स्टेंसी वाइज जो टिकट के दावेदार हैं और कैसी स्क्रीन करना है कमेटी बैठ करके तय करेगी। देखिए, चुनावी तैयारियों में हम पूरी तरीके से आगे बढ़ चुके हैं। हमने अपना चुनाव समिति की घोषणा कर दी है। इसके अलावा लोकसभा वार हमारे ऑब्जर्वर बनाए जा चुके हैं, पर्यवेक्षक बनाए जा चुके हैं। इसके अलावा सीनियर ऑब्जर्वर ऑब्जर्वर की भी नियुक्ति की जा चुकी है। हमारी स्क्रीनिंग कमेटी जो हमारी चुनाव बंटवारा की प्रमुख कमेटी होती है, उसके भी सदस्यों की नियुक्ति की जा चुकी है, उसके भी अध्यक्ष बनाए जा चुके हैं। बदलाव की बयार बही हुई है, चाहे मंत्री का इस्तीफा हो, उनका बदलाव हो, चाहे वो पीसीसी के अध्यक्ष का बदलाव हो, मोर्चा के अध्यक्षों का बदलाव हो, सारे चीज में बदलाव कांग्रेस पार्टी ला रही है। लेकिन अब जो बदलाव आएगा वो छत्तीसगढ़ की सरकार यहाँ से भ्रष्ट सरकार को बेदखल करके। छत्तीसगढ़ में सियासी दल लगातार चुनाव की तैयारी में जुटे हुए हैं, लेकिन बीते कुछ दिनों में कांग्रेस ने इंटरनल सर्वे के बाद टिकट वितरण की प्रक्रिया तेज कर दी है। साथ ही नई टीम में भी बदलाव और विस्तार की तैयारी को अंतिम रूप देने में जुटी है। इससे स्पष्ट है कि पार्टी भाजपा से चुनावी तैयारियों में आगे निकलने का मन बना चुकी है। रायपुर से INS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट।